लोअर म्यूजियम आर्किटेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। 25-30 हज़ार रुपये उसमें से मेरे एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे bigbustours.com करके इसकी वेबसाइट है, आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं। जो पानी है यहाँ पे वो डिसैलिनेशन से मिलता है इन लोगों को। लोग सनबाथ का मज़ा ले रहे हैं, मैं जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता होगा लेकिन सस्ता भी पड़ता होगा। ये जो लगाए ना मेरे कानों में हेडफोन, इसमें से ना कंटिन्यूसली काफ़ी सारी जानकारी मिल रही है सिटी के बारे में। लेकिन वो सुनना और उसी वक्त आपको बताना इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जो मेजर अट्रैक्शंस है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अभी उतरूंगा मैं यहाँ से, एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, LOUVRE ऐसा कुछ है, लोअर म्यूज़ियम आर्किटेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। ये देखिए मैं इसकी छत दिखाता हूँ आपको यहाँ से, ये देखिए दिख रहा है। खैर चलिए उधर ही चलते हैं अभी। तो मैं उतर चुका हूँ भाई, ये कौन सा लोअर म्यूज़ियम है यहाँ पे। बिल्कुल मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि 63 दरहम का टिकट है, मतलब लगभग 1400 रुपये का। जो बस का ड्राइवर है ना बंदा, वो अपना केरला वाला है, उसने भी मुझे सजेस्ट किया अंदर मत जाइएगा फालतू में, इतना महंगा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाहर से देख के आ जाइए। ये सब गोरे गोरे लोग जो हैं ना, बहुत पैसे हैं इनके पास में, इनकी करेंसी भारी है भाई, तो ये लोग आराम से खर्चा कर देते हैं। अपन गरीब गरीब लोग सिर्फ बाहर से देखेंगे। ये देखो इसकी छत कैसी है। ये साइड में चलेंगे, इधर बढ़िया नज़ारा है समंदर का। 1 लाख रुपए में 4 देश घूमने का टारगेट लेके निकला था मैं। 25-30 हज़ार रुपये उसमें से मेरे एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ये अबू धाबी में ये देखिए नज़ारा, ये जो ब्रिज दिख रहा है ना सामने, इसके ऊपर से आई अभी बस। वो जो मैंने आपको बताया ना, पुणे में मैंने घर पे बैठ के जो स्टडी किया था, एक डे टूर, सिंगल डे टूर मिल रहा था मुझे 2500-3000 के करीब में। तो उसमें है ना, ये जितने भी ये प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो फ्री वाले हैं ना वही इंक्लूड करते हैं। अब जैसा यहाँ पे इतना महंगा टिकट है एंट्री के लिए 1400 रुपये का, तो वो तो पॉसिबल नहीं है उनके लिए भी कि यहाँ आपको अंदर ले जाए उसी उतने ही चार्जेस में। और मसला ऐसा है कि 1400 रुपये का टिकट निकाल के मैं अंदर चला भी जाऊं तो ये जो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस में मैं घूम रहा हूं ना, ये मेरी नेक्स्ट बस आएगी 20 मिनट में। तो 20 मिनट में क्या मैं वो म्यूज़ियम देख पाऊंगा, तो इसके लिए ना जाना ही बेटर है। अगर आप आते हैं और आपको म्यूज़ियम देखने में बहुत इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं भाई। ये तो जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ तक आ गया हूँ। चलिए बाकी तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बढ़िया, ये सब इंडियन टूरिस्ट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही समय 12:10 पर अगली बस का टाइम था और बिल्कुल सही समय पर बस आ गई, मैं बस में बैठ गया। अभी नीचे ही बैठा हूँ क्योंकि ऊपर है ना हवा बहुत आ रही है, तो एक तो मैं हवा की वजह से मुझे डाउट है कि आपको आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आएगी, और दूसरी बात ये मेरी कैप है ना, ये कैप
उड़ जाने को कर रही है हवा की वजह से, और ये कैप अगर उड़ गई ना तो मेरे लंबे घने बाल आपको दिख जाएंगे, जो कि मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए अब मैं नीचे ही बैठा हूँ। तो ये जो नेक्स्ट अट्रैक्शन पे मैं आया हूँ, इसको कहते हैं पब्लिक बीच। मतलब यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये बीच होगा, बट ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है। अभी बस में ड्राइवर से मेरी फिर से बात हुई, पाकिस्तान से ही था बंदा। तो ये बस के बारे में थोड़ा सा यहाँ बैठे बैठे आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेड लाइन और ग्रीन लाइन, ऐसी दो लाइन्स है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस कहते हैं इसको, और बिग बस टूर्स करके है ये, bigbustours.com करके इसकी वेबसाइट है। आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, हो सकता है ऑनलाइन सस्ता भी हो, अभी मैंने समय पे किया तो शायद महंगा पड़ा हो, अभी एग्जैक्टली तो जानकारी नहीं है। इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो बेसिकली ऐसा है कि हॉप ऑन हॉप ऑफ का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस बस का जो रूट है, इस रूट पे ये कंटिन्यू ये बसेस चलती रहती है। आप या तो दोनों लाइंस भी ले सकते हैं, या एक उसमें से कोई एक रेड वाली या ग्रीन वाली कोई एक सिंगल लाइन भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा है कि ये बसेस इनके जो रूट है फिक्स वाले, उस पर कंटिन्यूस घूमते रहती है। आपको जहाँ उतरना है उतरिए, वो एरिया एक्सप्लोर कीजिए और फिर से इनका जो बस स्टॉप है वहाँ आ जाइए, और नेक्स्ट वाली बस जो आएगी उसमें चढ़ के अगले डेस्टिनेशन पर चले जाइए। ये सीधा सीधा हिसाब है, काफ़ी ईजी है। शुरू में जब मैं वहाँ अबू धाबी मॉल से वहाँ बैठा था तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा वहाँ पे, लेकिन अब दो तीन डेस्टिनेशन होके आया हूँ तो अभी सब हिसाब किताब मेरे समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं ये पब्लिक बीच क्या है भला वो भी देख लेते हैं एक बार। नाम से तो समझ में आ रहा है कि यहाँ की लोकल पब्लिक के लिए ये बीच है, कुछ गार्डन वार्डन बना हुआ है। देखिए, दिखाता हूँ मैं आपको, ग्रीनरी बहुत अच्छी मेंटेन की है इन्होंने, रेगिस्तान होने के बावजूद। ये देखो भाई, स्काईलाइन बढ़िया एकदम। और अभी बस में जो कमेंट्री चल रही थी ना, उसमें उन्होंने बताया कि 90% जो पानी है यहाँ पे वो डिसैलिनेशन से मिलता है इन लोगों को। डिसैलिनेशन आपको पता होगा, समुंदर का जो खारा पानी होता है उसको प्रोसेस करके मीठा बनाते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव होती है ये प्रोसीजर, लेकिन भाई पैसा भी तो है इनके पास में बहुत सारा है। चलिए ऐसा इधर से जाके फिर बीच के ऊपर से वापस आएंगे। द वे दैट साइड, उधर कैसे जाना है? इधर से गेट है। ओके, थैंक यू। लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पे। अपने जैसा चेहरा दिख जाता है ना, इंडियन पाकिस्तानी, आप बिंदास हिंदी में बात करो वो इंडियन या पाकिस्तानी ही निकलेगा। ये देखिए, इधर से है एक्सेस। खिलौने बने हैं बच्चों के लिए। ये है बीच, छोटा सा, अच्छा है नज़ारा। लोग सनबाथ का मज़ा ले रहे हैं, मैं जाके उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। यहाँ पे ना अबू धाबी में सिटी बस जो होती है ना, गवर्नमेंट द्वारा जो चलाई जाती है, जैसे अपने यहाँ हर सिटी में होती है, उसका भी काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, और उससे अगर आप घूमेंगे तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। लेकिन फिर उसके लिए आपको जानकारी चाहिए एग्जैक्टली कौन सी बस कहाँ पे जाएगी, आपको कहाँ कहाँ घूमना है, ये सब कंसेप्ट आपकी क्लियर चाहिए, और उसमें समय भी काफ़ी ज़्यादा लगता होगा लेकिन सस्ता भी पड़ता होगा। अगर आपके पास समय है, 4 दिन आप रुक सकते हैं और पूरा स्टडी करके आएंगे तो काफ़ी सस्ते में भी हो जाएगा। मेरे जैसा भागते दौड़ते 1 दिन के लिए अगर आएंगे तो भाई पैसा खर्चा करना पड़ेगा। अभी 12:50 हो चुके हैं, 10 मिनट थोड़ा बैठ लेता हूँ यहाँ, बढ़िया छाव है। 1 बजे बस आएगी वही अपनी,
हॉप ऑन हॉप ऑफ वाली, उसमें बैठ के नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चला जाऊंगा। जब तक और एक बात आपके साथ में शेयर करता हूं, क्योंकि मैं यहां एक ही दिन के लिए हूं, तो मैंने यहां पे लोकल सिम नहीं लिया है। इस बस में आसानी से मैं घूम रहा हूं, तो ना किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत है, ना गूगल मैप देखने की ज़रूरत है, तो लोकल सिम के मेरे पैसे बच गए। हालांकि मुझे रेट पता नहीं है, लोकल सिम जब लिया ही नहीं तो कितने का है, तो ये मुझे रेट पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली देश महंगा है भाई, तो लोकल सिम भी महंगा ही होगा। तो एक दिन के लिए मैं वो पैसे खर्च नहीं करना चाह रहा था, तो कम से कम 1,000-1,500 रुपये मेरे तो बच गए होंगे लोकल सिम के। चलिए, बस आने के बाद में निकलेंगे अगले डेस्टिनेशन के लिए। ये आपको जब तक ही दिखा देता हूँ, और मैं ये देखिए टिकट है, इसमें वैलिडिटी लिखी है कितने बजे से कितने बजे तक, और उसके साथ में उन्होंने दिया है ये एक टाइम टेबल दिया है। एक मिनट, ये देखिए, ये अलग अलग डेस्टिनेशन है, अट्रैक्शंस यहाँ के। अभी जैसा ये देखिए 4 नंबर पे, ये पब्लिक बीच है, अभी मैं यहाँ पे हूँ। अभी 12:50 हो चुके हैं, अभी आने वाली बस कितने बजे आएगी, ये सब टाइम टेबल इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो बस है हॉप ऑन हॉप ऑफ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है हर आधे घंटे में बस आएगी। मतलब आप किसी भी अट्रैक्शन पे उतरिए, वहाँ एक्सप्लोर कीजिए, आधे घंटे बाद नेक्स्ट बस आएगी, उसमें चढ़ के अगले अट्रैक्शन पे चले जाइए, या फिर ज़्यादा समय लगता है तो 1 घंटा वहाँ पे बिताइए और 1 घंटे बाद जो बस आएगी उसमें जाइए। दूसरी बात, ये जो टिकट है ये 24 आवर्स के लिए वैलिड है। जैसा मैंने आज सैटरडे है, सुबह 11:30 बजे ये टिकट परचेस किया, तो कल सुबह 11:30 बजे तक, यानी 24 आवर्स के लिए वैलिड है। लेकिन बस जो है वो शाम को, आखिरी बस जो है 5 बजे ही निकलती है भाई। ऐसा नहीं है कि आप रात को 2 बजे बोलेंगे कि मैं अभी निकलता हूँ घूमने के लिए, ऐसा नहीं है। शाम को 5 बजे आखिरी बस निकलती है, उसमें जितना आप घूम सकते हैं घूम लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको, ये जो टिकट मिला है ना, जो अभी आपको मैंने दिखाया, ये संभाल के रखिएगा पूरे टूर के दौरान। क्योंकि सपोज़ अभी मैं यहाँ उतर गया, यहाँ मैंने आधा घंटा एक्सप्लोर किया, और आधे घंटे बाद जो बस आने वाली है उसमें चढ़ रहा हूँ, तो हो सकता है कि एवरी टाइम आपको वो टिकट दिखाना पड़ेगा ड्राइवर को। तो ये टिकट अगर आपने खो दिया है तो भाई, हो सकता है फिर से आपको टिकट ख़रीदना पड़े, जो कि काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसके लिए टिकट संभाल के रखिए और मज़ा लीजिए अबू धाबी सिटी घूमने का। गाइड बन सकता हूँ मैं यहाँ का, एक दो दिन अगर और बिता दूँ ना तो गाइड बन सकता हूँ। अगली बार आप आएंगे तो हो सकता है सचिन नाम का गाइड मिल जाए आपको यहाँ पे। मज़ाक कर रहा हूँ।